बुधवार को जो पंजाब में हुआ वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को यूं तार तार नहीं किया। बुधवार को तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री को दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विमान से भटिंडा पहुंचना था, जहां से उन्हें फिरोजपुर के किला चौक हेलीपैड सड़क मार्ग से पहुंचकर वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। पीएम को इसके बाद PGIMER हेलीपैड पर उतरकर सड़क मार्ग से 5 मिनट की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचना था, मगर यहां एक पेच है। सरकार के वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री ने भटिंडा से ही सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का निर्णय लिया। ये निर्णय तत्काल लिया गया था और पहले से तय कार्यक्रम में शामिल नहीं था, यानी पंजाब पुलिस को अब बदले हुए कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करनी थी। जब प्रधानमंत्री का काफिला हुसैनीवाला स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर था, तब ये सूचना मिली कि पीएम अचानक जिस रास्ते से जा रहे हैं उस पर किसानों ने जाम लगा दिया है। पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर के पास लगभग 20 मिनट रुका और फिर उन्होंने वापस लौटने का निर्णय किया। इसके बाद मोदी जी वापस भटिंडा हवाई पट्टी पहुँचे और सकुशल दिल्ली लौट आए। सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा में चूक कहाँ हुई? कोई भी प्रदर्शनकारी उनके 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं पहुंचा। उनका किसी प्रकार से कोई अहित नहीं हुआ। फिर भी मोदी जी ने भटिंडा से दिल्ली रवाना होने से पहले अपने जिंदा लौटने वाला राजनीति से प्रेरित दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे डाला। सूत्रों के मुताबिक क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान पंजाबी कोई आतंकवादी या नक्सलवादी थे जो मोदी जी के प्राणों के दुश्मन थे? तथ्य ये है कि पीएम के सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने की खबर मिलते ही पंजाब पुलिस नए रूट की सुरक्षा में लग गई। अब पंजाब पुलिस क्या इन निहत्ते किसानों पर गोलियां चलाती या लाठी डंडे बरसाती, जैसा मोदी जी ने दिल्ली की सीमा पर करवाया था? ऐसी परिस्थिति में उन्हें वहां से हटाना ही एक विकल्प था, जो पंजाब पुलिस करने का प्रयास कर रही थी। इससे पहले कि पंजाब पुलिस के प्रयास सफल हो पाते, मोदी जी को उनकी होने वाली सभा में लगी हुई 70,000 कुर्सियों में से 69,000 से ज्यादा खाली होने का समाचार मिल गया। बस फिर क्या था, हर मुश्किल की तरह यहाँ भी मोदी जी ने जिंदा लौटने वाला स्वांग रच डाला और पंजाब को बदनाम करने का प्रयास किया। मोदी जी को ये नहीं करना था, क्योंकि पीएम पद को ये शोभा नहीं देता।